फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। हर्ष विहार थाना क्षेत्र में हुई लूट के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 8 में से 5 लाख बरामद किए। उत्तर पूर्वी दिल्ली के DCP डॉक्टर जॉय एन तिर्की ने मीडिया को बताया। FIR नंबर 138/24 दी। 10 फरवरी 2024 धारा 392/394/34 IPC तहत हर्ष विहार थाने में मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता राम सिंह उम्र 53 वर्ष पुत्र रामदीन निवासी मकान नंबर C 123 गली नंबर 6 राधा विहार सबोली दिल्ली। शिकायतकर्ता का पेशा फ्रेंड्स कॉलोनी इंडस्ट्रियल एरिया GTB एनक्लेव दिल्ली में फैक्ट्री कर्मचारी डॉट लूट के मामले में दर्ज किया था। इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि 10 फरवरी 2014 को सुबह लगभग 6:15 बजे वह अपने पैतृक गांव कठौंदा जिला भिंड MP से दिल्ली लौटा। उसके बैग में 8 लाख रुपए थे। मंडोली चुंगी पर पहुंचकर उन्होंने अपने बेटे मनोज को फोन किया और दोनों साथ में मोटरसाइकिल से अपने घर के लिए निकल पड़े। जब वे धर्मवीर का ऑफिस सबोली के पास पहुंचे तो मोटरसाइकिल पर आए 4 लड़कों ने उन्हें रोक लिया। एक की पहचान दिनेश के रूप में हुई, जो उन्हें जानता है। दिनेश ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता और उसके बेटे के साथ मारपीट की और 8 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया। डॉट इसमें हर्ष विहार थाने के SHO के नेतृत्व में टीम बनी और घटना स्थल के आसपास के लगे तमाम CCTV फुटेज चेक किया, जिसके बाद इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वसूली की गई आरोपियों से 1 दिनेश के पास से 2.5 लाख रुपए और अपराध में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई। डॉट 2 सचिन के पास से 1.5 लाख रुपए बरामद हुए। 3 अमित के पास से 1 लाख रुपए लूटे गए। बैग दस्तावेज और अपराध में इस्तेमाल की गई 1 अन्य मोटरसाइकिल बरामद की गई। डॉट अब तक कुल 5 लाख रुपए और अपराध में इस्तेमाल की गई 2 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। चौथे आरोपी को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसकी पहचान संदीप पुत्र नेमी सिंह निवासी HNO के रूप में हुई है। 598 गली नंबर 13 प्रताप नगर सबोली दिल्ली। वह मूल रूप से आगरा के रहने वाले हैं।